शायर के लिए जिसको मैं आवाज देने जा रहा हूं, और आप उसे जनाब रेहान हाशमी के नाम से जानते हैं। हजरत, भिवंडी का मैं तो हमेशा से कर्जदार रहा हूं, क्योंकि भिवंडी में जब भिवंडी वालों ने मुझे बुलाया तो मुझे महाराष्ट्र के मुख्तलिफ खित्तों में पढ़ने का मौका हासिल हुआ। तकवीम आजमी और भुट्टू भाई परवेज फलाही साहब का हुक्म, मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों मैंने अखबारात में अपने शहर में पढ़ा कि यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको खराब करने की कोशिश की गई, तो मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। देखिएगा भुट्टू भाई, परवेज भाई, अर्ज क्या है कि जब जब भी वार कौम पे शैतान करेगा। देखिएगा भिवंडी वालों, कि जब जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जमकर मुकाबला यहां ईमान करेगा। जब जब भी वार कौम पे शैतान करेगा जमकर मुकाबला यहां ईमान करेगा। अब मुनसिफ ना हुकूमत ना अदालत ना तो अदल, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। मुनसिफ जब जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जब जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जमकर मुकाबला यहां ईमान करेगा, जमकर मुकाबला यहां ईमान करेगा। मुनसिफ न तो आदिल न हुकूमत न अदालत, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। हजरत, चार मिसरे और पढ़ता हूं, वक्त भी बहुत कम है, मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। देखिएगा कि खामोश अगर हम हैं तो है मसलहत कोई। देखिएगा शेरू भाई, भुट्टू भाई, के खामोश अगर हम हैं तो है मसलहत कोई। ताला नहीं लगा है हमारी जुबान में। खामोश अगर हम हैं तो है मसलहत कोई, खामोश अगर हम हैं तो है मसलहत कोई। ताला नहीं लगा है हमारी जुबान में है, और तफ्तीश धमाकों की कर रहा है वही शख्स बारूद बेचता है जो अपनी दुकान में। तफ्तीश कर रहा है धमाकों का वही शख्स बारूद बेचता है जो अपने दुकान में। हजरत, चार मिसरे आखिरी में पढ़ता हूं। मैंने कुछ दिन पहले अभी पढ़ा था कि यहां पर टोरेंट पावर का कुछ मसला चल रहा था। मैंने पढ़ा था उसे फेसबुक पे बाद नोमानी और शाहिद शेख और मेरा दोस्त फैजी और भुट्टू भाई के वॉलपेपर पर, परवेज फलाही भी यहां पर हैं, खालिद गुड्डू भाई यहां पर थे, चले गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी? क्योंकि उनको मालूम है कि भिवंडी के मजदूर का खून जब पसीने की शक्ल अख्तियार करता है तो उसके बच्चों के मुंह में निवाले जाते हैं। मैं पढ़ता हूं चार मिसरे, देखिएगा भुट्टू भाई। अर्ज क्या है कि अमीरे शहर से मजदूर ने कहा, मालिक हमें तो नींद हमारी थकन से आती है। अमीरे शहर से मजदूर ने कहा मालिक हमें तो नींद हमारी थकन से आती है। खुदाए पाक का इनाम है, खुदा की कसम, हलाल खाओ तो खुशबू बदन से आती है। क्या बात है भाई, कौन सा? मैं फिर पढ़ता हूं। खालिद भाई आ गए, इन्होंने आपके हक की लड़ाई लड़ी थी। कौन सा? पहला
खालिद भाई का हुक्म है और इसमें से आपका भी हुक्म है, कहना है कि चार मिसरे जो मैंने सबसे पहले पढ़े थे वो सुना दूं। मैं पढ़ता हूं दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें कमेटी का। देखिएगा गुड्डू भाई, अर्ज क्या है कि जब जब मैं पढ़ देता हूं, खालिद गुड्डू भाई यहां पर मौजूद हैं, कि जब जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जब जब भी वार कौम पे शैतान करेगा, जमकर मुकाबला यहां ईमान करेगा, जमकर मुकाबला यहां ईमान करेगा। और मुनसिफ न तो आदिल, न हुकूमत न अदालत, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा, जो फैसला करेगा मुसलमान करेगा। हजरत चार मिसरे पढ़ता हूं। एक 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 मूवी बनाई गई इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स, उसके जरिए हमारे कौम के जज्बात से खेलने की कोशिश की गई, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं था कि हमारी कौम सो रही है, मरी नहीं है। मैं पढ़ता हूं, अर्ज क्या है कि करके ऐलान सरेआम बता भी देंगे, करके ऐलान सरेआम बता भी देंगे, सिर्फ कहते ही नहीं करके दिखा भी देंगे, करके ऐलान। भिवंडी में ये चार मिसरे पढ़ रहा हूं, मेरे चार मिसरों की हिफाजत करिएगा, कि करके ऐलान सरेआम बता भी देंगे, करके ऐलान सरेआम बता भी देंगे, सिर्फ कहते ही नहीं करके दिखा भी देंगे। और सब्र करते हैं मगर सुन ले गुस्ताखे नबी, सब्र टूटा तो तुझे जड़ से मिटा भी देंगे। वाह 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 वाह। सब्र करते हैं मगर सुन ले गुस्ताखे नबी, सब्र टूटा तो तुझे जड़ से मिटा भी देंगे। हजरत फिलाडेल्फिया में एक पादरी था जिसने कुरान शरीफ को नजर आतिश करने का ऐलान किया। ऐसे सभी शैतानों के नाम मेरे ये चार मिसरे के, मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों। दोस्तों चार मिसरे अगर सच्चे हो तो जिस तरीके से दुआएं दी थी आपने, उस तरीके से दुआएं देकर विदा करिएगा, कि मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, शहरे गुलजार को शमशान बनाने वालों, मेरी सर देखिएगा जी इरशाद जो चाहूंगा इरशाद, कि मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, निशानात मिटाने वालों, शहरे गुलजार को शमशान बनाने वालों, खुदा ने सीनों में महफूज कर दिया कुरान, कितने सीनों को जलाओगे जलाने वालों। वाह 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 वाह।